कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो सारी सीमाओं को पार कर कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसके कारण दुनिया उन्हें अलग दृष्टि से देखती है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर चौथीराम यादव, जो सामाजिक अन्याय के शिकार समाजों के एक अनूठे व्याख्याता हैं और देश भर में घूम घूम कर अपनी बात को जोरदार ढंग से रखते हैं। प्रोफेसर साहब सिर्फ शानदार वक्ता ही नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़े आंदोलनों में सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। बेशक आज ये हिंदी जगत के महत्वपूर्ण जन बुद्धिजीवी हैं, परंतु इनकी यात्रा 32 दांतों के बीच एक जीभ की ही तरह रही है। जनवरी 1941 को जौनपुर के शाहगंज तहसील के एक गांव कायमगंज के सामान्य किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता रामदयाल और माता सहता देवी खेती किसानी का काम करते थे। चार भाइयों और एक बहन के बीच चौथी राम सबसे छोटे थे। मेरा असल में जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील में एक गांव पड़ता है कायमगंज डहरी, तो वहाँ मैं एक छोटे किसान के परिवार में पैदा हुआ था। और बचपन की जो याद आती है, हम चार भाई थे, उनमें सबसे छोटा मैं था और मुझसे बड़ी एक बहन थी। चार भाई एक बहन हम लोग थे। चौथी राम जी की शादी महादेवी से बाल्यावस्था में ही हो गई थी। शादी तो देखिए हम लोग की जैसे होता था बचपन में हो जाना, गाँव में शादियाँ होती थी तो हम लोग छोटे छोटे थे तो उसमें प्रथा थी, वो जो शादी में जो लड़की वाले थे वे लड़की लेकर लड़के के यहाँ जाते थे, उसको पांव पूजन कहते थे कि लड़के का पांव पूजने जा रहे हैं, पूजिया ऐसा हो रहा है। बहुत छोटे हम लोगों की यादें ही नहीं है कि वह लड़की आई थी किस रूप में, कौन है, कैसे, कब शादी हुई, तो उसका वो कुछ याद नहीं है। बहुत छोटे हम लोग थे वहाँ से रखे, जैसे बाल विवाह कहते हैं, तो बाल विवाह की प्रथा थी। वो लड़की सयानी हो जाती थी, 14-15-16 साल की जब हो जाती थी तो उसका विदाई होती थी, उसे गौना कहते थे। तो वह गौना हमारे हुआ था, तो इसके बाद उसकी याद तो हमें है कैसे हुआ था सवाई हुए। परिवार बड़ा होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा, हर एक मुसीबत में सबको संभाला, मामला शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का, परिवार के हर एक सदस्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बचपन में हम लोग जब पढ़ने लिखने से कतराते थे, इधर उधर होते थे, तो जो है डांटते भी थे, मारते भी थे, कभी कभी झाड़ू से भी मार दिया है। जैसे फिल्म वगैरह देखने चले गए तो जो है झाड़ू से भी मारा है। नाटक प्ले जो बीएचयू वगैरह में होते थे, बूढ़ी काकी और ये सब, ये दिखाने ले जाते थे। और हमको इसलिए ये कहने के लिए दम सोचे कि जो छोटे से ही जो सामाजिक मुद्दे की पिक्चरें हैं या ऐसी है, वो जो लिबरलिज्म हम लोग में आया वो वहीं से आया है। कि परिवार में सबको ये अपने जिम्मेदारी का एहसास कैसे कराते हैं, तो हमको घटना याद आ रही है। एक बार कि हमारा चयन हुआ था BTC में, तो हम घर बैठे रह गए और इनके साथ एक जो तीसरी बहू हैं उनका भी चयन हुआ था, तो उनका तो लेटर आ गया था, हमारा लेटर आया नहीं था। तो हमको बड़ी डांट डांटे थे उस समय कि तुम घर बैठे हो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। तो हमको उस समय लगा भी, और उसी के बाद हम इनके पास गए भी हैं, तब वहाँ से हमारा जाकर दूसरा हम लोग लेटर लिए हैं, इसके बाद हमारा चयन हुआ है। तो उस समय घटना हमको बहुत लगता है कि कितना इन्होंने हमको अवसर कहा ना होता तो हम बैठे रह जाते यहीं। हमारी तो पूरी पढ़ाई लिखाई इन्हीं के साथ हुई बनारस में ही, तो हम लोगों के तो बिल्कुल एकदम प्रेरणा स्रोत भी थे। इन्होंने बहुओं को बेटी ही समझा, पिता जैसा प्यार और दुलार दिया। तो मेरे तो 5 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी, लेकिन भाइयों की सब बेटियां बहुत ज़्यादा थी, तो उससे उसका उसी कमी पूरी होती थी। और सब बराबर यहाँ आते थे जो है, तो एक कोई न कोई बेटी जो है यहाँ रहती थी आके। 97 में मैं यहाँ बहू बनकर आई, या कह लीजिए कि बहू क्या, बेटी बनकर आई। हम यहाँ पे ये लोग 5 भाई हैं,
और हम 5 बेटियां यहां पर आए। पापा हमेशा स्त्री विमर्श पर बोलते रहते हैं, उनकी काफ़ी सेमिनार, काफ़ी उनका लिखना लेखनी स्त्री विमर्श पर है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मंच से तो स्त्री विमर्श की बातें करते हैं लेकिन उनकी लेखनी और उनकी कथनी में बहुत अंतर होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी और बहुत हर्ष के साथ बताना चाहूँगी कि हमारे पापा की लेखनी और कथनी में कहीं कोई अंतर नहीं है। वो जितनी स्त्री विमर्श की बातें मंच से करते हैं उतना ही स्पेस हम लोगों को दिया। मैं जस्ट ग्रेजुएट होकर के यहाँ आई थी, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरा बीएड और बाकी नौकरी की जो पूरी यात्रा है वो यहीं पर पूरी हुई, यहाँ पर आने के बाद पूरी हुई। और इतना सपोर्ट मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ, मेरे इस घर से प्राप्त हुआ, वो उतना सपोर्ट मैं यूँ कह लूँगी कि मुझे मायके से भी नहीं मिला जितना सपोर्ट मुझे यहाँ से मिला। उनके सामने नहीं बैठना, सास ससुर के सामने नहीं बैठना, घूंघट करके जाना, वो सब मैंने देखा था अपने यहाँ, मतलब थोड़ा गाँव का माहौल था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो फिर मुझे एकदम बिल्कुल, जब मैं ऐसे घूंघट करके बैठी तो मुझे कहा गया कि नहीं ऐसे घूंघट करके नहीं बैठो, आराम से फ्री हो करके रिलैक्स हो करके रहो, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे, तुम जैसे अपने मायके में रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहो। सुबह सुबह मेरा, हमारे हम तो सुबह सुबह 4 बजे उठ करके, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, 4 बजे उठ के नहा लेते थे। मैं भी यहाँ पे आ करके वैसे ही नहाना वहाना शुरू की तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने, बाऊ जी ने कहा कि नहीं इतने सुबह उठ करके तुम नहा लेती हो, तबीयत ख़राब हो रही है, तुम इतना क्यों करती हो, तुम यहाँ पे जैसे सब लोग रहते हैं वैसे एकदम फ्री हो करके रहा करो, एकदम बिल्कुल तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ही आ करके मैं अपनी आगे की पढ़ाई, मतलब बीएड मैंने यहीं से किया है। हर तरीके का सपोर्ट यहाँ पे जैसा होता है वैसा सपोर्ट हमें यहाँ मिला, जितना सपोर्ट हमें मायके में नहीं मिला उससे ज़्यादा सपोर्ट हमें यहाँ पर आ करके मिला है। चौधरी राम जी की पढ़ने के साथ साथ खेलों में भी बहुत रुचि थी। शायद बहुत तो लोगों को नहीं पता हुआ, इनको क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, सॉकर मैच है या क्रिकेट का ही है। अब वो रात विरात शुरू होने वाला है 2:30 या 3 बजे, तो DD पे वो जो सर्किल बन के शुरुआत का था ना टो करके, वो ये TV वहाँ से ही ऑन कर लेते थे, मतलब वो तो वो कान में पड़ता था जैसे ही आवाज़, तो अच्छा मैच, तो हम भी नींद गहरी है लेकिन उठ के आते थे और छोटे से ही चाय बना रहे हैं, चाय हम बना लेते थे और मैं चाय बनाता था इनके लिए, हम लोग दोनों लोग बैठ के। तब तक अगर एक दो भाई जग गए तो आ गए तो आ गए, नहीं तो हम लोग देखना शुरू हो जाते थे। एक बार हमारे यहाँ खेल जम के हुई, ब्लॉक स्तरीय बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी, उसमें ये जो है एक चैम्पियनशिप लाए और हम लोग गदगद हो गए, इनको उठा करके और वाहवाही दिए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर के शाहगंज तहसील के हुटन इलाके में हुई। जब हम लोग स्कूल में ले गए दाखिला कराने तो 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता था। इतना याद है कि वहाँ अध्यापकों ने पूछा था कि आप उर्दू से पढ़ेंगे या हिंदी से, कि उस समय के जितने प्राइमरी स्कूल थे सब में हिंदी पढ़ाने वाले तो ज़्यादा थे, लेकिन हर प्राइमरी विश्वविद्यालय में एक मौलवी साहब होते थे उर्दू पढ़ाने के लिए, अनिवार्य था, यानी जो लड़के उर्दू पढ़ना चाहते थे उनके लिए एक मौलवी साहब उसमें होते थे। और जूनियर हाई स्कूल जो है वहीं था, तो उसमें भी पास में ही था जूनियर हाई स्कूल जो है, वहाँ के लोगों को पढ़ करके और इंटर तक करने के लिए हमें पट्टी नरेंद्रपुर वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था, वहाँ जाना पड़ता था, यानी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गांव में रहते हुए हमने की है। इंटर की पढ़ाई नेशनल इंटर कॉलेज पट्टी नरेंद्रपुर से करने के बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी आ गए, यहीं से हिंदी में MA और PhD भी किया। और इंटरमीडिएट के बाद जब BA में एडमिशन होना हुआ तब यहाँ BHU में आए, और वो 1964-65 की बात होगी जब हमने यहाँ से BA पास किया। BA में भी मेरा फर्स्ट क्लास आया, टॉप किया था। MA में भी पढ़ाई की तो उसमें भी मेरा फर्स्ट आया, टॉप रहा। वो रिसर्च में हमारे पड़ोस के थे त्रिभुवन सिंह, वही जमुनिया के आसपास के थे, तो यहाँ अध्यापक थे, रीडर थे, उन्हीं के अंडर मेरा PhD का वो हुआ। मध्यकालीन भक्त साहित्य में भी रहानुभूत की व्यंजना इस विषय पर शोध कर रहा था। चौथी राम जी इस नगर में मेरे इकलौते मित्र हैं,
जिस साल लेक्चरर को मैंने ज्वाइन किया हिंदी विभाग में, वे एमए फाइनल में थे, इतना मुझे याद है। लगभग 55 सालों से हम लोग साथ हैं। शुरू में चौथी राम जी मेरे लिए एक विद्यार्थी थे जो डॉक्टर त्रिभुवन सिंह के अंडर शोध कर रहे थे, सूरदास पर काम कर रहे थे। सूरदास के बहाने मध्यकालीन साहित्य से भी परिचित थे, लेकिन कबीर से उनका कोई ऐसा लगाव नहीं दिखाई पड़ा। उसके बाद चौथी राम जी गाजीपुर चले गए लेक्चरर होके। इनका चयन हिंदी अध्यापक के तौर पर डिग्री कॉलेज गाजीपुर में हो गया। गाजीपुर डिग्री कॉलेज में वांट निकली थी, वहाँ मैंने भर दिया था। तो उसमें मेरे सोच प्रबंध जमा करते ही मैंने वहाँ से, मेरा डिग्री मिलते ही वहाँ से एडमिशन किया था, तो जब हो गया 6 महीना वहाँ गाजीपुर में रहा, किसी तरह मकान वकान लिया सब कुछ। बाद बच्चे वच्चे भी थे, इन लोगों को भी लेके गया मैं, शादी हो चुकी थी। 6 महीना के बाद BHU में एक वांट निकली, सायंकाल, यहाँ सायंकालीन विद्यालय चलता था और वो कमच्छा पर चलता था, तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया था। 1971 से 2003 तक लगभग 33 साल चौथी राम जी ने BHU के हिंदी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। यहाँ मेरा एक लेक्चरर के रूप में जब एडमिशन हुआ इवनिंग कॉलेज में, तो 80 भदैनी पर मैं रहता था और वहीं से जाता था। वहीं बगल में काशीनाथ सिंह रहते थे, लेखक थे, तो उनसे परिचय हुआ। माने परिचय तो ऐसे भी जानते थे हम लोग, लेकिन उस तरह की आत्मीयता नहीं थी। यह है कि विभाग के एक नए अध्यापक थे, यंग थे वो, और अपने पहनावे ओढ़ावे के लिए बहुत जाने जाते थे कि बिल्कुल नए ढंग से अपना, उनका नया कट जो है दाढ़ी जो है होता है बुलगानन कट, दाढ़ी उनकी होती थी, और जो फैशन एक होता था उनके द्वारा चलता था कि काशीनाथ ने यह किया हुआ है। साइकिल भी लिया था तो एकदम लाल साइकिल, किसी दूसरे ढंग की अपनी उनकी होती थी। तो उनके पड़ोस में वहाँ रहना पड़ा, तो एक लेखक के संपर्क में रहने के बाद जो थोड़ा एक रुचि अपनी बनती है वह कुछ लिखने पढ़ने की ओर बनी गई, नए ढंग से सोचने विचारने की। अन्यथा तो अच्छा अध्यापक थे, इसलिए उन अध्यापकों के बीच में रहते हुए मैंने एक अच्छे अध्यापक की स्थिति बनाई, जैसा काशीनाथ ने बराबर लिखा है। BHU में चौथी राम की ख्याति एक ऐसे अध्यापक की रही है जो अपने विषय पर पूरा अधिकार रखते थे, जिसके कारण अपने विद्यार्थियों के प्रिय अध्यापक रहे। मैं समझता हूँ कि जब तक चौथी राम यादव काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक रहे, तब तक उन्होंने सिर्फ अध्यापन को ही अपना आधार बनाया और कक्षा में जिस तन्मयता के साथ वे सूरदास, मीराबाई या अज्ञेय की रचनाओं को पढ़ाते थे, विद्यार्थी एकदम मंत्रमुग्ध अवस्था में अपने को पाते थे। हमारे विभाग के एक बहुत ही सफल अध्यापक के रूप में चौथी राम यादव की ख्याति थी। प्रोफेसर चौथी राम अध्यापक रहते हुए केवल एक अच्छे अध्यापक ही बने रहे। इन्होंने अपेक्षाकृत बहुत बाद में लिखना शुरू किया, लेकिन जो भी लिखा उसका महत्व बहुत ज्यादा है। अध्यापक रहते हुए एक उनको प्रोजेक्ट मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य पर काम करने का, जिसे नामोर सिंह ने उन्हें दिया था, और हरियाणा ग्रंथ अकादमी से उस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य नाम से उनकी पुस्तक भी आई, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के विशेषज्ञ के रूप में चौथी राम जी की ख्याति हुई। नामवर सिंह के छोटे भाई प्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह प्रोफेसर चौथी राम जी के अनन्य मित्र, उन्होंने ही नामवर जी को इनका नाम हजारी प्रसाद पर लिखने के लिए प्रेरित किया था। मुझे याद है नामवर जी आए हुए थे घर पर, तो नामवर जी ने उनसे कहा चौथी राम से कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पर क्यों नहीं किताब लिखते आप, और हरियाणा साहित्य अकादमी से अनुबंध करा दिया उन्होंने
का की किताब लिखी आप आचार्य हृदय सरस्वती पर? जब नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज आई तो बड़े तहलका मचा बनारस में कि नामवर सिंह ने रामचंद्र शुक्ल तो इन लोगों के बड़े वो थे ब्राह्मणों के बीच में कि रामचंद्र शुक्ल को छोटा करने के लिए उनके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी को खड़ा कर दिया। और दिल्ली से एक अजीत कुमार थे उनका लेख लिखा था वहाँ से कि छोटी रेखा बड़ी रेखा का सवाल उठाया कि शुक्ल जी के सामने उन्होंने एक बड़ी रेखा खींच दी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के रूप में और जिसमें जो होता था कि शुक्ल जी वाली रेखा छोटी हो गई है, यानी उनको उनके महत्व को कम करने के लिए इन्होंने वो किया है। इस पर बड़ा हुआ दस्तावेज निकालते थे विश्वनाथ तिवारी गोरखपुर से, उस पर तमाम सारे लोगों ने लेख लिखा नामवर जी के दूसरी परंपरा की खोज के खिलाफ। उसी समय काशीनाथ ने मुझसे कहा कि भाई वो दूसरी परंपरा की खोज पर कोई लिखने को तैयार नहीं हो रहा है और कोई लिख भी नहीं सकता, आप ठपकी राय आप लिखें। हिंदी आलोचना की जो प्रगतिशील धारा है उसके भीतर मुख्य रूप से उन्होंने नामवर सिंह की जो पुस्तक प्रकाशित हुई दूसरी परंपरा की खोज, उसी की बहस को उन्होंने आगे बढ़ाया और इस बहस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पहली किताब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी। प्रोफेसर चौथीराम यादव की इस पुस्तक ने पाठकों को नामवर सिंह की किताब तक पहुंचने के सूत्र दिए और प्रोफेसर चौथीराम यादव को दूसरी परंपरा के एक सुसंगत और तार्किक आलोचक की भूमिका में स्थापित भी कर दिया। चौथीराम यादव जी ने अपने लेखन के माध्यम से, मुझे याद है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पर जो उनकी पहली पुस्तक है तो संभवतः उनका शोध भी था हजारी प्रसाद द्विवेदी पे, तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसमें ही आज जो प्रोफेसर चौथीराम यादव हमारे सामने हैं जिन मुद्दों को लेकर के, जिन विमर्शों को लेकर के, जिस चिंतन को लेकर के, वो उस पुस्तक में हमें मौजूद दिखाई पड़ते हैं। तो दूसरे लोगों ने कहा कि देखिए नामवर जी ने तो दूसरी परंपरा को खोजा भर था, उसका पूरा विकास चौथीराम यादव ने किया अपने में, और विकास इस रूप में किया कि दलित आदिवासी और स्त्री विमर्श, जो स्त्री के सवाल हैं, दलित के सवाल हैं, आदिवासियों के सवाल हैं, वे इन लोगों ने नहीं उठाए थे, किसी इन लोगों ने, ये मैंने उठाया है। सिद्धोनाथों की बात भी मैंने ली है उसमें, और नामवर जी ने नहीं उस पर लिखा, रामविलास शर्मा ने उस पर नहीं लिखा, इसे सब उसके विरोधी थे क्योंकि वो बुद्ध की परंपरा थी, सिद्धोनाथों की परंपरा बुद्ध की परंपरा है और बुद्ध को अभिजन समाज में, समान समाज में माना ही नहीं गया, बुद्ध दलितों के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, पिछड़ों के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। प्रोफेसर चौथीराम यादव द्वारा लिखी गई किताबों में हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन, लोकधर्मी साहित्य की दूसरी धारा, उत्तर शती के विमर्श और हाशिए का समाज, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और छायावादी काव्य, लोक और वेद आमने सामने आदि प्रमुख किताबें हैं। आज हम सब लोग प्रोफेसर चौथीराम यादव जी को एक प्रखर विमर्शकार के रूप में मानते हैं और आज जो बहुजन विमर्श हमारे सामने है, दलित विमर्श हमारे सामने है, तो दलित विमर्श बहुजन विमर्श के बीच में सेतु बनाने वाले चिंतक के रूप में प्रोफेसर चौथीराम यादव की एक पहचान बनी है। चौथीराम यादव ने विभाग में रहते हुए जिस प्रकार से मौन धारण किया, विभागीय राजनीति या देश की राजनीति या आरक्षण की राजनीति या किसी भी प्रकार की राजनीति को लेकर जितना वो मौन रहे उतना ही अधिक मात्रा में वे रिटायरमेंट के बाद मुखर हो गए, लेखन के स्तर पर भी और अपने व्याख्यानों के स्तर पर भी। एक वक्ता के रूप में चौथीराम यादव ने अपनी पारी रिटायरमेंट के बाद शुरू की, लेकिन देखते ही देखते वे हाशिए के समाजों के सबसे बड़े व्याख्याता के रूप में स्थापित हो गए। आज वे बहुजन वक्ताओं में से सबसे सम्मानित वक्ता हैं। खासकर जो हाशिए का समाज है, उस हाशिए के समाज में चौथीराम यादव ने कबीर के माध्यम से, अंबेडकर के माध्यम से, और कबीर अंबेडकर के साथ साथ ये बौद्ध धर्म के माध्यम से चौथीराम यादव ने जो हाशिए का समाज है उस समाज में अपनी बहुत बड़ी
पैठ बनाई है, बहुत अधिक से अधिक लोगों को उन्होंने प्रभावित भी किया है। और दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श, इन तीनों के माध्यम से चौथीराम यादव आज एक ख्यातिलब्ध आलोचक के रूप में हमारे सामने मौजूद है। अवकाश ग्रहण के बाद चौथीराम जी ने में एक बहुत ही गुणात्मक कहें और लक्षित किया जाने वाला परिवर्तन आया। चौथीराम जी पहले जो एक अध्यापक जैसा उनका जो व्यवहार था, जो व्यक्तित्व था, अब वो एक सकर्मक बुद्धिजीवी के रूप में वो ट्रांसफार्म हुए। और संतों की कविता में जिस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए, प्रोफेसर चौथीराम जी अनेक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें देखकर लगता है मानो वे शब्द और कर्म की एकता स्थापित कर रहे हों। प्रोफेसर चौथीराम यादव के व्यक्तित्व की परतों को समझना हो तो उस काकश को भी समझना होगा जिसमें वे अकेले थे और अपनी काबिलियत से स्वयं को स्थापित किया और अपनी जगह बनाई।